अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। जो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे पास हो गए हैं उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग अपना इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं आपको, वो मुझे नेम और प्लेस के साथ अपने मार्क्स भी कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए आज शुरू करते हैं कर्नाटका SSLC थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का प्रोज नंबर 8, यूनिट नंबर 8 हम पढ़ेंगे आज। हमारे लेसन का नाम है असीन फ्रॉम शकुंतला। शकुंतला एक बहुत ही मशहूर एक एंशियंट किताब है एक, तो उसमें से हमारे पास यहाँ पे लेसन में हमारे लेसन के जरिए से एक वहाँ का शकुंतला किताब का एक सीन लिया गया है। यहाँ पर हमको आपके जो इसमें सिलेबस में दिया गया है एक शकुंतला एक पूरी एक किताब है, लेकिन सिर्फ उसमें का एक सीन है आपके पास यहाँ पर सिलेबस में लिया डाला गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शकुंतला आखिर कौन थी। तो शकुंतला के फादर का नाम था विश्वामित्र और उसकी माँ का नाम था मेनिका। तो विश्वामित्र जो है ना वो बहुत ही एंशंट इंडिया के बहुत ही बड़े साधु थे, सेज थे, और वो ऋग्वेदा और जो हिंदुओं की मुकदस किताब है एक ऋग्वेदा बोल के उसके ऑथर हैं वो, और गायत्री मंत्र के भी ऑथर हैं। कौन? विश्वामित्र। अब मेनिका एक हिंदू मैथोलॉजी में मेनिका को बहुत ही खूबसूरत एक जन्नत की अप्सरा कहा गया है, और उसे जो इंद्रदेव ने जमीन पर भेजा था वो जन्नत की अप्सरा को इंद्रदेव ने जमीन पर भेजा, तो जो इंद्र जो गॉड है ना वो गॉड ने मेनिका को जमीन पर भेजा था ताकि वो विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर सके। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शकुंतला के बाद यहाँ पे लेसन के जरिए से हम पढ़ेंगे। तो अब विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनिका को इंद्रदेव ने भेजा, तो उसके बाद दोनों की औलाद जो हुई ना वो शकुंतला है। तो जब विश्वामित्र को मालूम हो गया कि शकुंतला को इंद्रदेव ने भेजा था मेनिका को इंद्रदेव ने भेजा था अपनी तपस्या भंग करने के लिए, तो वो मेनिका से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उसको वहीं पर छोड़ दिया। तो मेनिका जब वापस मेनिका को जब बेटी हुई तो उसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा, और वो शकुंतला को एक साधु के पास एक आश्रम में छोड़ दिया मेनिका ने, और वापस अपने इंद्रदेव के पास वापस चली गई। अब हम यहाँ पर प्री रीडिंग एक्टिविटी देखेंगे। वन डे किंग दुष्यंत वेंट हंटिंग। ही वेंट डाउन through a forest, he approached the ashrama where a sage called Kanva lived. The sage had adopted Shakuntala and brought her up as if she was his own daughter. She was very beautiful. As soon as the king saw her, he fell in love with her and they were married in the forest according to Gandharva system of marriage. So, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पे एक दिन किंग दुष्यंत जो राजा था वो शिकार के लिए निकला। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दुष्यंत कौन है। दुष्यंत किंग एक ही वाज़ द किंग ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का राजा था किंग दुष्यंत। तो वो एक दिन शिकार के लिए निकला, तो और जैसे ही वो शिकार करते करते जंगल के में पहुंचा तो और उसने देखा कि एक आश्रम के पास पहुंचा वो, तो वहां पर उसने देखा कि जिस एक सेज मतलब साधु, सेज मतलब साधु जिसका नाम कानवा है वो वहां पर रहता है। तो और उस सेज ने उस साधु ने एक शकुंतला को अडॉप्टेड किया था और उसको अपनी बेटी की तरह वो पाल पोस कर बड़ा किया था। तो वो बहुत ही ज्यादा शकुंतला का है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और जब किंग ने उसे देखा तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उसने उसे शादी करने का की ख्वाहिश जाहिर की। तो उन दोनों की शादी गंधर्वा सिस्टम जैसे कि मतलब फॉरेस्ट में जैसे जंगल के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक गंधर्वा सिस्टम के मुताबिक उनकी शादी कर दी गई।
Dushyanta had to leave the forest and return to the city. He presented her a ring before departing, saying it would save her from trouble. One day, Sage Durvasa came to the ashrama. Shakuntala could not greet and receive him as she was lost in the spell of love. The sage became so upset that he cursed her. Due to the curse, Dushyanta could not acknowledge that Shakuntala was his wife. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दुष्यंता जब शकुंतला की और दुष्यंत की दोनों की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे जंगल में, तो उसके थोड़े दिनों के बाद दुष्यंत ने और दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर अपने सिटी को वापस चले गए और जाते आते उसे एक रिंग दी। रिंग देकर कहा कि ये तुम्हें मुश्किल से बचाएगा। और एक दिन जब शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी तो आश्रम में एक सेज जिसका नाम है दुर्वासा वो आए और शकुंतला ने उन्हें ना वेलकम किया ना उन्हें उनकी खातिर मदद की। तो और उसी को दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी वो, तो सेज को देखकर बहुत ही गुस्सा आया और बहुत ही अपसेट हो गया वो, और उससे गुस्से में उन्होंने उससे शकुंतला को बदुआ दी। तो इसी बदुआ की वजह से, कर्ज की वजह से, दुष्यंत ये भूल गया कि शकुंतला उसकी बीवी है। टू नो हाउ द पावर ऑफ कर्ज वॉज डिस्पेल्ड एंड दुष्यंत गॉट बैक हिज मेमोरी ऑफ हिज मैरिज विद शकुंतला, प्लीज रीड दिस प्ले। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बदुआ जो कर्ज थी ना उसका जो पावर उसकी जो पावर थी उसकी कर्ज की वजह से जो दुष्यंत ने की मेमोरी से जो शकुंतला से उसने शादी की थी वो जो भूल चुका था। तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो अब मैं आप लोगों को उसके बाद बताऊंगी कि क्या हुआ। तो कुछ दिनों के बाद शकुंतला वो बदुआ की वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो खुद ही अपने दुष्यंत के हस्बैंड के पास जाना चाहती थी। तो जब वो अपने आश्रम से दुष्यंत के पास जाने के लिए निकली तो वो रास्ते में उसे एक नदी मिलती थी। नदी में जब नाव में सवार होकर वो नदी पार कर रही थी तो उसने अपना हाथ नदी में लहराया, पानी में लहराया, तो उसके हाथ से जो वो रिंग दिया था ना उसने दुष्यंत ने इसको जो रिंग दिया था वो रिंग उसके हाथ से पानी में गिर गई और पानी में गिरने के बाद वो मछली ने उसे निगल लिया तो वो मछली के पेट में वो चली गई। तो यहाँ पर उसके बाद का सीन है देखिए। तो जब वो दरबार पहुंची शकुंतला तो वो रिंग ना रहने की वजह से दुष्यंत ने और उस बदुआ की वजह से दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे उसकी शादी के बारे में यकीन दिलाने के लिए शकुंतला के पास सिर्फ वो एक ही रिंग ही थी और कोई दूसरा गवाह नहीं था। तो वो रिंग तो वो खो चुकी थी इसलिए वो दरबार से वापिस हो गई। तो यहाँ पर ये इस सीन में यह बताया गया है कि इन द स्ट्रीट बिफोर द पैलेस, तो यहाँ पे जो गली है इसके महल के पास, महल से पहले एक गली है वहाँ का एक मंजर है। तो यहाँ पे इस स्टोरी में यहाँ से शुरू किया गया है कि एक मछेरा जो है जो फिशरमैन है वो फिशरमैन तो यहाँ पे एक मछेरा जो है मछली पकड़ने वाला जाल डाल के मछलियाँ पकड़ता है तो और एक जो मछली को काटता है वो, तो उसके मछली के पेट में से उसे जैसे ही मछली काटता है वो मछली के पेट में से उसे तो शकुंतला की खोई हुई रिंग उसे मछली के पेट से मिलती है। तो वो मछेरा वो रिंग को बेचने के लिए बाजार जाता है। तो जैसे ही वो बाजार गया तो दो पुलिसमैन आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो इस रिंग पर तो राजा की सील लगी हुई है और ये तुमने कहाँ से चोरी करके लाई है, बोलकर उसे पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ ये फिशरमैन है और ये दो पुलिसमैन है और ये चीफ है। चीफ के सामने यहाँ पे इंटर द चीफ ऑफ पुलिस टू पुलिसमैन एंड ए मैन विथ हिज हैंड्स बाउंड बिहाइंड हिज बैक। तो ये फिशरमैन का
हाथ पीछे की तरफ बांधकर ये दो पुलिस वाले पकड़कर बाजार से उसे ला रहे हैं, किसके पास, चीफ के पास, बताने के लिए, दिखाने के लिए ला रहे हैं, मिलाने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, द टू पुलिसमैन स्ट्राइकिंग द मैन, नाउ पिक पॉकेट, टेल अस वेयर यू हैव फाउंड दिस रिंग, इट इज द किंग्स रिंग विथ लेटर्स इनग्रेव्ड ऑन इट एंड इट हैज ए मैग्निफिसेंट जेम। तो वो दो पुलिस मैन जो फिशरमैन को पकड़ के ला रहे हैं, उसे कह रहे हैं डरा के, धमका के, कि अब ए चोर अब चोर, इस पैराग्राफ में बताया है कि टेल अस नाउ पिक पॉकेट, ए चोर अब चोर तुम बताओ कि ये तुमने रिंग कहाँ से मिली, ये तुम्हें रिंग कहाँ से मिली, और ये तो राजा की रिंग है, और जो इस पे लेटर्स जो लिखे हुए हैं वो क्या, जो जिस पर जो हरूफ लिखे हुए हैं, और ये एक बहुत ही कीमती जेम है जिसमें क्या है, हीरा जड़ा हुआ है। फिशरमैन, बी मर्सीफुल काइंड जेंटलमैन, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ सच ए क्राइम। तो यहाँ पर फिशरमैन कह रहा है टू पुलिसमैन को, फिशरमैन मतलब मछेरा, तो मुझ पर रहम करो, वो जेंटलमैन मुझ पर रहम करो, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ सच ए क्राइम, मैं इस जुर्म का मुजरिम नहीं हूँ मैं। फर्स्ट पुलिसमैन, नो आई सपोज द किंग थॉट यू वर अ पायस ब्राह्मण एंड मेड यू अ प्रेजेंट ऑफ इट। फर्स्ट पुलिसमैन यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं समझा कि तुमको ये बहुत ही, राजा ने सोचा होगा कि तुम बहुत ही अच्छे ब्राह्मण हो, तो तुम्हें इसलिए उसने ये गिफ्ट दिया होगा। तो फिशरमैन फिर से कहता है कि प्लीज आई एम अ फिशरमैन एंड आई लिव ऑन द गंगास एट द स्पॉट वेयर इंदिरा केम डाउन। तो फिशरमैन जवाब में कहता है कि नहीं, मुझ पर मेहरबानी करो, मैं क्या एक मछेरा हूँ, मैं एक मछली पकड़ने वाला हूँ, और मैं गंगा के करीब रहता हूँ, गंगा रिवर के, जहाँ पर इंद्रदेव उतरे थे। सेकंड पुलिसमैन, यू थीफ, वी डिड नॉट आस्क फॉर योर एड्रेस और योर सोशल पोजिशन। तो सेकंड पुलिसमैन जो है ना, वो कहता है कि ऐ चोर, तुम चोर हो, हम तुमसे तुम्हारा घर का एड्रेस या फिर तुम्हारी सोशल पोजिशन क्या है, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। चीफ कहते हैं, चीफ, लेट हिम टेल अ स्ट्रेट स्टोरी टू द किंग, सुचाका डोंट इंटरप्ट। तो यहाँ पर चीफ कहते हैं कि फिशरमैन को, राजा को ही पूरी सीधी कहानी बताने दो, सुचाका तुम यहाँ पर दखल अंदाजी मत करो, मुदाखलत मत करो। तो यहाँ पर सुचाका सेकंड पुलिसमैन का नाम है और जानू का फर्स्ट पुलिसमैन का नाम है। द टू पुलिसमैन, यस चीफ कंटिन्यू मैन। तो दो पुलिसमैन कहते हैं चीफ से कि यस चीफ, ठीक है, और उस आदमी को, फिशरमैन को कहते हैं कि कंटिन्यू, तुम अपनी बात जारी रखो। तो फिशरमैन अब कहना शुरू करता है कि आई सपोर्ट माई फैमिली विथ थिंग्स वी कैच विथ फिश नेट्स, यू नो। तो आपकी तिला के लिए मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी मेरे मछली के जाल में पकड़ में चीजें आते हैं, मैं उसी से अपने घर का खर्च चलाता हूँ या फिर किफालत करता हूँ। चीफ लाफिंग, यू हैव ए स्वीट ट्रेड। तो ये चीफ हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा काम बहुत ही प्यारा है। फिशरमैन, डोंट से दैट मास्टर, यू कांट गिव अ ट्रेड ऑफ यूर एंसेस्टर्स, अ बुचर, butchers animals and yet he is tender hearted। तो यहाँ पर फिशरमैन कहता है कि ऐसा मत कहिए, आप अपने आबा व अजदाद के काम धंधे को तर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिशरमैन कहता है कि आप अपने ancestor मतलब आबा व अजदाद मतलब फोर फादर, जो आपके बाप दादा से जो चलता हुआ रहा है, वो काम आप नहीं छोड़ सकते, बोलकर फिशरमैन कह रहा है लोगों को। और जो बुचर है, बुचर मतलब हसाब, हसाब क्या करता है, जानवरों को सुबह करता है, फिर भी वो नरम दिल होता है, बोल के यहाँ पर बता रहे हैं, उसकी मिसाल देकर फिशरमैन लोगों को बता रहा है। चीफ, गो ऑन। तो फिर वो चीफ कहता है कि हाँ चल, जारी रखो। फिशरमैन, वेल आई वॉज कटिंग अप अ कार्प इन इट्स बेली, आई सॉ दिस रिंग विद द मैग्निफिसेंट जेम एंड देन आई वॉज जस्ट ट्राइंग to sell it where, sell it here when you kind gentleman
grabbed me. That is the truth. Now find fault with me and punish me. यहाँ पर फिशरमैन अपनी बात जारी रखकर कहता है कि तो यहाँ पर फिशरमैन कहता है कि ठीक है, मैं एक बहुत ही बड़ी मछली को काट रहा था, तो उसके पेट में मुझे एक रिंग मिली जो एक बहुत ही अच्छा, जिसपे एक बहुत ही अच्छा शानदार हीरे के साथ मैंने उसको देखा, जेम लगा जड़ा हुआ था उस पर, और मैं उसे बेचने ही जा रहा था कि ये इन दोनों आदमियों ने मुझे पकड़ लिया, दोनों पुलिस मैन ने मुझे पकड़ लिया, और यही सच है। अब आप बताइए कि यहाँ पर मेरी गलती क्या है और मुझे सजा दीजिए। चीफ स्मेलिंग द रिंग, देर इज नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर चीफ उस अंगूठी को सूंघता है, सूंघ कर कहता है कि हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बोल के वो कहता है जानू का, इट हैज बीन इन द फिश बेली। तो जानू का जो पहला पुलिसमैन था जिसका नाम जानू का है, तो उसको उससे कह रहे हैं चीफ के ये तो मछली के पेट से ही निकली हुई है, पेट की है। इट हैज रियल स्मेल ऑफ रॉ मीट, और ये इसमें से कच्चे गोश्त की बो आ रही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ ही गॉट इट, वी मस्ट गो टू द पैलेस। तो अब हमको ये पता लगाना है कि ये उसके पास कहाँ से आई, फिशरमैन के पास एक अंगूठी, और इसको क्या करेंगे हम, इसको महल में लेकर जाएंगे, महल में इसको लेकर जाना चाहिए इसको, और हमें मालूम करना चाहिए कि इसको अंगूठी कहाँ से मिली। द टू पुलिसमैन टू द फिशरमैन, मूव ऑन पिक पॉकेट मूव ऑन। तो दोनों जो पुलिसमैन थे जिसका नाम जानुका और सुचाका है, वो दोनों फिशरमैन से कह रहे हैं कि मूव ऑन, आगे चलो, पिक चोर, पिक पॉकेट मतलब चोर, आगे चलो। गोइंग चीफ सुचाका, वेट हियर एट द बिग गेट अंटिल आई कम आउट ऑफ द पैलेस एंड डोंट रन अवे। तो चीफ कहते हैं कि सुचाका से कि यहाँ पर मेरा इंतजार करो बड़े गेट के पास, जब तक मैं वापस ना आऊं और कहीं भाग मत जाना। द टू पुलिसमैन, गो इन चीफ, आई होप द किंग विल बी नाइस टू यू। दोनों पुलिसमैन चीफ से कहते हैं कि आप अंदर जाइए चीफ, आप अंदर जाइए, और हम उम्मीद है कि किंग आपसे क्या है बहुत ही खुश हो जाएंगे। चीफ तो चीफ गुड बाय कहकर अंदर चले जाते हैं। सुचाका जानुका, द चीफ इज टेकिंग हिज टाइम। तो सुचाका ने जानुका से कह रहा है कि द चीफ इज टेकिंग हिज टाइम। तो चीफ को क्या है, अपना वक्त ले रहे हैं। जानुका, यू कांट जस्ट ड्रॉप इन ऑन द किंग। आप ऐसे एक बादशाह से मिलने नहीं जा सकते। जानुका कह रहा है कि आप एक ऐसे ही किसी के पास जाके मिलने नहीं जा सकते, आप राजा से मिलने जा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। सुचाका, जानुका, माई फिंगर्स आर ईचिंग टू किल धिस पिक पॉकेट, पॉइंटिंग टू द फिशरमैन। तो सुचाका जानुका से कह रहा है कि जानुका, मेरे उंगलियों में बहुत ही क्या है, ईचिंग हो रही है, मतलब खुजली हो रही है पिक पॉकेट को, ये चोर को मारने के लिए। पॉइंट किसके ऊपर पॉइंट करके बता रहा है वो, ये फिशरमैन के ऊपर पॉइंट करके बता रहे हैं कि मुझे उसको दिल मारना बोल रहा है बहुत, मुझे बहुत मेरी उंगलियों में बहुत ही ईचिंग हो रही है। फिशरमैन, डोंट किल अ मैन विदाउट एनी रीजन मास्टर। तो फिशरमैन कह रहा है कि एक बेकसूर आदमी को मत मारो बिना किसी रीजन के, बोल के वो कह रहा है फिशरमैन। जानुका, लुकिंग टुवर्ड द गेट, देयर इज द चीफ विद अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, इंटर द चीफ। तो जानुका गेट के पास देखता है तो उसको वहां पर एक अपना चीफ नजर आता है, और उसके हाथ में क्या है कि रिटन ऑर्डर है किंग की तरफ से। फिर चीफ इंटर होता है। चीफ, क्विक क्विक ही ब्रेक्स ऑफ। तो जल्दी जल्दी बोल के चीफ कहता है लोगों से, क्विक जल्दी करो। फिशरमैन, ओह व्हाट अबाउट मी। तो फिशरमैन चीफ से कहता है कि मेरे ताल्लुक से क्या है। चीफ, रिलीज हिम, रिलीज द फेलो, इट इज ऑल राइट, ही गॉट द रिंग, आवर किंग टोल्ड मी सो हिमसेल्फ। तो चीफ यहाँ पर कहता है कि इसे छोड़ दो, और ये सही कह रहा था, और मुझे उसे ये किंग रिंग मिली है, और मुझे हमारे किंग ने सब कुछ बता दिया है। सुचाका, ऑल राइट चीफ, दिस मैन हैज कम बैक टू लाइफ, ही रिलीज द फिशरमैन।
तो सुचा का ठीक है कहकर चीक की बात मान लेता है और इस आदमी को क्या कहता है कि नई जिंदगी मिल गई है और वो उसे छोड़ देते हैं फिशरमैन को, हाथ खोल देते हैं उसके। फिशरमैन बोविंग लो टू द चीफ मास्टर, आई ओ यू माई लाइफ, ही फॉल्स एट हिज फीट। तो फिशरमैन बहुत उसके पैरों पर गिर जाता है चीफ के और कहता है कि पैरों पर गिर कहता है कि मैं आपके ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान करता हूँ। चीफ गेट अप, हियर इज अ रिवार्ड दैट द किंग वाज काइंड इनफ टू गिव यू, इट इज वर्थ एज मच एज द रिंग, टेक इट। ही हैंड द फिशरमैन अ ब्रेसलेट। तो यहाँ पर चीफ कह रहा है कि उठो उठो, यहाँ पर तुम्हारा इनाम है जो किंग ने तुम्हें दिया है और ये उतना ही कीमत का है जितने की रिंग है और इसे ले लो। तो चीफ ये कहते हुए फिशरमैन के हाथ पर ब्रेसलेट रख देता है। फिशरमैन ईगरली टेकिंग इट मच ऑब्लिव, फिशरमैन ने बेसब्री से ब्रेसलेट ले लिया और शुक्रिया अदा किया। जानुका ही इज मच ऑब्लिव टू द किंग, जानुका पे कह रहा है कि उसको राजा का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुचाका चीफ द रिवार्ड शोज दैट द किंग थॉट अ लॉट अबाउट द रिंग, द जेम मस्ट बी वर्थ समथिंग। सुचाका है चीफ से पूछ रहे हैं कि ये जो रिवार्ड उसे दिया गया है फिशरमैन को, तो उसके इसलिए क्या किंग बहुत ही खुश है इस रिंग को देखने के बाद, और क्या फिर उससे उसके जो उसका जो जेम है था रिंग का, क्या वो बहुत ज़्यादा कीमती है जो जो राजा ने उसे इतना गिफ्ट दिया है। चीफ नो इट वाजंट द फाइन जेम दैट प्लीज द किंग, इट वाज दिस वे। तो यहाँ पर चीफ कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक आम सा जेम है, जैसा रहता है वैसा ही जेम है, मगर किंग उससे बहुत ही ज़्यादा खुश है, खुश होने के लिए बहुत ही सादा जेम है ये, इट वॉज दिस वे। मगर ये इस द टू पोलिसमैन व्हेन द किंग सॉ इट ही रिमेम्बर समबडी ही लव्स। तो जब किंग ने उस रिंग को देखा, ही रिमेम्बर समबडी ही लव्स, राजा ने जब उस रिंग को देखा तो उसे याद आया कि वो जिससे प्यार करता था वो उसे याद आ गया। और यू नो हाउ डिग्निफाइड ही यूजुअली, यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा कितना अजीम है वो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही उसने रिंग को देखा वो एक लम्हे के लिए अपने आप को रोक नहीं सका और वो रो पड़ा। सुचाका यू हैव डन द किंग अ गुड टर्न चीफ, सुचाका कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने चीफ आपने बहुत ही अच्छा मोड़ लाया है राजा की जिंदगी। जानू का ऑल फॉर द सेक ऑफ दिस फिशरमैन, इट सीम्स टू मी He looks enviously at the fisherman. जानू का यहाँ पर कहता है कि ये सब फिशरमैन की वजह से हुआ है मुझे ऐसा लगता है, और वो हसद की नजर से फिशरमैन की तरफ देखता है। फिशरमैन टेक हाफ ऑफ इट मास्टर्स टू पे फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिशरमैन कहता है लोगों से कि आप इसमें से मेरे नाम में से आप आधा रख लो। जानू का फिशरमैन यू आर द बिगेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड आई हैव गॉट, जानू का कहता है कि फिशरमैन तुम हमारे लिए हैं सबसे अच्छे और बड़े दोस्त हो हमारे लिए जो हमको तुम मिले हो। द फिश द फर्स्ट थिंग वी वांट टू समथिंग टू ड्रिंक, लेट्स गो वेयर दे सेल इट। तो अब हमको जो फर्स्ट चीज़ हमको चाहिए पीने के लिए चाहिए, अब चलो हम इसको जाकर बेचते हैं, फिर वो चले जाते हैं।